आप सबकी फेवरेट छोटी सी टीना दत्ता यानी कि इच्छा, उतरन की इच्छा। आइए मिलते हैं टीना से। कर रही है काफ़ी सारी बातें मीडिया के साथ और बिग बॉस के बारे में भी बहुत कुछ कह दिया टीना ने। आइए देखते हैं वो क्या कह रही है और किसके बारे में कह रही है।
15 साल हो गए। हाउ स्वीट, आपको पता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी दुबई गई थी मेरे बर्थडे के लिए, और वहाँ पे भी मतलब 80% लोग मुझे पहचानते हैं इच्छा के किरदार के रूप में। सो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फीलिंग, एक खुश फीलिंग होती है कि यू नो आज के डेट पे भी 15 साल हो गया उस शो को, मतलब शो के ऑन एयर होके 15 साल हो चुका है, और आई थिंक शो के ऑफ एयर जाते हुए 10 साल हो चुका है, बट लोग आज भी पहचानते हैं और आज भी उस शो को इतना दिल से याद करते हैं। सो डेफिनेटली वो माइलस्टोन है, वो एक डिफरेंट शो है जो शायद दूसरा कभी इस दुनिया में बन ही नहीं सकता। सो उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं, आप सबका भी, ऑडियंस का भी, मेरे प्रोड्यूसर का, चैनल का, जिन्होंने मुझे कास्ट किया और ये मौका दिया, और यू नो इट्स लाइक अ लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर मी। इस बार का बर्थडे आप दुबई में सेलिब्रेट किए हैं, मुंबई में नहीं? जी, मैं एक्चुअली यहाँ पे आजकल, अभी आप लोगों ने देखा होगा इतने टाइम से आप लोग जानते हैं तो बहुत टाइम हो गया कि मैं यहाँ पे सेलिब्रेट करती नहीं हूँ। यू नो आई डोंट थ्रो पार्टीज एंड ऑल ऑफ दैट, मैं अपने लिए चीज़ें करती हूँ। लाइक लास्ट ईयर मैं सदगुरु के आश्रम में थी अकेले, इस साल पापा को बहुत मन था बहुत टाइम से दुबई जाने का, मम्मी भी जाने वाली थी बट कुछ फैमिली इमरजेंसीज की वजह से मम्मी नहीं जा पाई और मैं और पापा ही गए। सो डेफिनेटली बहुत मज़ा आया, बहुत घूमे, एंड इट वॉज मोर लाइक मेरे बर्थडे में डैड का कोई विश फुलफिल करना था। आपका शो हम रहे या ना रहे, ना रहे, लोग काफी पसंद कर रहे हैं, करने भी बोल रहे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? वो ऑफ एयर हो गया है अभी, बट डेफिनेटली लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जेन्युइनली हम रहे ना रहे भी एक ऐसा शो है जो बहुत लोगों ने देखा है, इवन दुबई में भी लोग वो शो देखते थे। सो अच्छा लगता है जब वर्ल्ड वाइड लोग आपको पहचानते हैं, आपका शो देखते हैं। बहुत अच्छा लगा भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब मैं शॉपिंग भी जाती थी, मॉल जाती थी या कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाती थी ना, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना उत्तरण देखते थे। एंड इट्स नॉट लाइक कि मैं दुबई पहली बार गई हूँ, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम। इसके पहले भी मैं जितनी बार गई हूँ ना, मेजॉरिटी वहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग होते हैं, लाइक अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज, अ लॉट ऑफ इंडियंस वहाँ पे रहते हैं। सो डेफिनेटली लोग जब आपको इस तरह से पहचानते हैं और यू नो इतने खुश होते हैं, आपके बारे में अच्छे बोलते हैं, सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक अंदर बहुत अलग माहौल होता है, आपको टारगेट किया जाता है, चीज़ें बहुत डिफरेंट होते हैं, सो डेफिनेटली एक फ्रस्ट्रेशन लेवल हो ही जाती है, और जब बार बार आप ही को बोला जाता है सो डेफिनेटली चीज़ें थोड़ी सी अलग हो ही जाती है, तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे नहीं करना है, मुझे घर जाना है, बस ऐसा है। आपको क्या लगता है कौन है? एक ही तो फेस ऑफ द शो है, उसी को ही तो वाइट वॉश कर रहे हैं, तो फिर उसी को ही जिताएंगे ना। इट्स सो कॉमन एंड सो सिंपल। अगर आप एक को इतना वाइट वॉश कर रहे हो, उसका कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखा रहे हो और पूरा टाइम उसी के बारे में अच्छा अच्छा दिखाओगे, तो उसी को ही ट्रॉफी मिलेगा, और क्या होगा। आई लव मुनावर, आई विश मुनावर को ट्रॉफी मिल जाए, बट यार पता नहीं मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, जो समझदार है उनको समझदार को इशारा काफ़ी होता है। सो या थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉलीवुड स्ट्रिप्स।